मैं डॉक्टर कौशल पंवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छ का समाज की आवाज। स्वच्छ का समाज की आवाज यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब तमाम मित्रों का, दोस्तों का हार्दिक आभार। आप सबको नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आप जानते हैं, स्वच्छ का समाज की आवाज यूट्यूब चैनल, हमारे इस चैनल में ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाया जाता है जो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक जगत में हो, सामाजिक जगत में हो, आर्थिक में हो, राजनीतिक में हो, तमाम जो जीवन के पहलू हैं जो स्वच्छकार समाज की आवाज को अपनी आवाज में शामिल करते हैं, उन तमाम लोगों से आपसे हम रूबरू करवाते हैं। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ जो हैं वो हैं आर एस कुरेल सर, प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर रमा शंकर कुरेल। सर का परिचय मुझे देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जाने माने बहुत बड़े थिंकर हैं और खासकर हॉर्टिकल्चर जो साइंस का जो एक मेन स्ट्रीम माना जाता है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। फिर भी तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि जिनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं वो हैं हमारे साथ वाइस चांसलर आर एस कुरेल सर, जो डायरेक्टर भी हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची के। आप वाइस चांसलर हैं अभी वर्तमान में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में, आप डायरेक्टर भी हैं, आप एडमिन डायरेक्टर भी हैं, और आप लगातार जो 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 आप जो वाइस चांसलर की एक जिम्मेदारी है वो लगातार निर्वाह करते आ रहे हैं। आप 2017 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस इंदौर के आप वाइस चांसलर रह चुके हैं। आप आचार्य एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निकल अयोध्या के वाइस चांसलर रह चुके हैं। आप डायरेक्टर, तमाम जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है वो ये कि आप 2013 में वाइस चांसलर के पद को संभाल चुके हैं, 2017 में आप वाइस चांसलर के पद की जिम्मेदारी का आपने निर्वाह करे हैं, और आज अब आप वर्तमान में वाइस चांसलर हैं एग्रीकल्चर बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी रांची। सर, मैं सबसे पहले स्वच्छकार समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने इतने कीमती कीमती समय में से हमारे चैनल के, छोटे से चैनल के लिए जो भागीदारी, जो 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 स्पेस आपने हमें गौरवान्वित किया है देकर, ये सर आपकी जो उपलब्धि मैंने अभी गिनाई वो केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि हमारे SC ST OBC की उपलब्धि है। ये समाज की उपलब्धि है कि हमारे समाज में से वाइस चांसलर भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, डीन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। डिक्की जैसे जो आंदोलन हुआ, जो फाइनेंस जगत में डाइवर्सिटी मिशन के जो लोग जो काम कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो हमारे समाज की उपलब्धियां हैं, जो हमारा बहुजन दलित समाज कहा जाता है। इसलिए स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से मैं तमाम मित्रों के साथ ये कहना चाहूंगी कि हम जो सर के साथ आज चर्चा करेंगे वो एक तरह से साक्षात्कार के फॉरम में रहेगी, लेकिन आपका जो स्वच्छकार समाज में जो योगदान है वो एक बहुत बड़ा योगदान है, जिससे ऑडियंस को रूबरू करवाना स्वच्छकार समाज की आवाज यूट्यूब चैनल अपना फर्ज समझता है। सर, मैं आपका परिचय मैंने हालांकि दे दिया, लेकिन मैं फिर भी आपसे आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि जानना चाहती हूँ। आप अपना परिचय सर दे खुद भी जी। डॉक्टर कौशल, मैं कानपुर के एक गांव में पैदा हुआ, कानपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर है, वहीं मैं प्राइमरी और हाई स्कूल तक पढ़ाई किया। उसके बाद में तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जा करके इंटरमीडिएट किया जी। तो उस समय भी ये सब परेशानियां, कठिनाइयां जो लोग बताते रहते हैं वो हमेशा सबके साथ होती हैं। कुछ लोग इसका बखान करते रहते हैं और कुछ लोग सबके साथ होती हैं, तो मान करके सब लोग, कईयों के साथ बहुत ज्यादा होती है, कईयों के साथ थोड़ी कम हो जाती है। कुछ लोग शेयर ज्यादा करते हैं, कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं। समाज के साथ में कमोबेश होती सबके साथ है जी, जी। उसके बाद में मैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कानपुर में, वहां से मैंने UG और PG किया, फिर PhD किया, MBA किया और कंप्यूटर साइंस में मैनेजमेंट का किया जी। इसके बाद में मैं भारत सरकार में विभिन्न पदों पे रहा। 2010 में मैं डायरेक्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। उसी समय मेरे को उत्तर प्रदेश में
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में है, आज उसे अयोध्या कहा जाता है, वहां पे कुलपति के पद पर कार्य करने का अवसर मिला। ध्यान देने वाली बात है कि उस समय बहन जी की सरकार थी जी, तो हमको वो अवसर मिला। 3 साल वहां रहने के बाद में फिर मैं मध्य प्रदेश में 2013 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान था जहाँ पे बाबा साहब पैदा हुए थे, महू में, जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, महू जगह का नाम है। वहां पे मैं महानिदेशक के पद पे गया उस संस्थान में। फिर मैंने उस संस्थान को विश्वविद्यालय बनाने के लिए वहां की सरकार को समझाने का प्रयास किया, तो समझने समझाने का जो हमारा प्रयास था, तरीका था, वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि हमें ऐसा लगता है कि देश में किसी जमाने में भुखमरी पड़ी थी और आज की डेट में हम देखें तो ऐसा कदा देखने को मिलता है कि गोडाउन्स भरे पड़े हैं और अनाज रखने की जगह नहीं। तो जब देश आजाद हो रहा था उस समय 50 मिलियन टन प्रोडक्शन था और आज तकरीबन 300 मिलियन टन प्रोडक्शन है खाने पीने की चीजों का, तो देखिए कितना अच्छा प्रगति किया विश्वविद्यालय देश ने, वैज्ञानिकों के सहारे, किसानों के सहारे और सबने मिलकर के देश में एक हरित क्रांति ला दी। मेडिकल के क्षेत्र में भी हम देखें तो 45 से 50 साल में लोग बूढ़े नजर आने लगते थे और अभी 80-90 साल तक लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो मेडिकल साइंस में भी देश ने बड़ी प्रगति की है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो मेट्रो बनाने के लिए मशीन एक बार जमीन के नीचे घुसती है तो पूरी दिल्ली में नीचे कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ से पानी लिया, कहाँ से मिट्टी दबा दी, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इसने अच्छी इंजीनियरिंग में प्रगति की। मगर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में तो समाज में आज भी वैसी ही कुरीतियां हैं, वैसी ही बुराइयां हैं, जाति पात है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत डिस्क्रिमिनेशन है जी। हमें लगा कि इस पर कोई, आज जब स्टडी की गई तो एग्रीकल्चर की भी 75 कृषि के विश्वविद्यालय, करीब 35 जानवरों के विश्वविद्यालय हैं, करीब 800 देश में विश्वविद्यालय, जनरल विश्वविद्यालय है, लेकिन सामाजिक विज्ञान का देश में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। जब तक समाज को हम पढ़े लिखे लोगों के द्वारा वैज्ञानिक तौर तरीके से समाज में हम जागरूकता नहीं लाएंगे, तब तक समाज का जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, ऊंच नीच की भावना है, कास्टिज्म है, बहुत सारी जो हमारी महिलाओं के प्रति अत्याचार होते हैं, दलित आदिवासियों के प्रति जो अत्याचार होते हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, बहुत सारी इसमें समाज विज्ञान में बहुत बड़ा विषय है जहाँ पे हमें रिसर्च करने की जरूरत है। इसके लिए कोई भी देश में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है और देश को साधु संतों के हवाले छोड़ दिया गया है। अब साधु संतों के हवाले समाज को छोड़ा जाएगा तो उनका एक स्पेसिफिक दायरा है, वो लोग उसी दायरे में काम करते हैं, तो उससे देश का, समाज का विकास नहीं हो सकता। ये हमने सोच करके मध्य प्रदेश की सरकार को कन्विंस किया कि देश में सामाजिक विज्ञान का एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। ऐसा करके हमने उस विश्वविद्यालय की संरचना की, उसमें एक इसका पहला सामाजिक विश्वविद्यालय, और उस सामाजिक विश्वविद्यालय में खाली समाज का ही नहीं, समाज का विकास कैसे हो, समाज में लॉयर्स कैसे पैदा हो, समाज में एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स कैसे पैदा हो, रूरल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स कैसे पैदा हो, वोमेन साइंस के एक्सपर्ट्स कैसे, होम साइंस के एक्सपर्ट्स कैसे पैदा हो, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आए, स्किल डेवलपमेंट कैसे आए, एजुकेशन कैसे आए, ये सारे कॉलेजेज हमने बनाए। साथ ही साथ प्रदेश के 51 जिलों में 50-50 एकड़ जमीन लेके सामाजिक विज्ञान केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें से 22 सामाजिक विज्ञान केंद्र स्थापित
होने की पहुंच गए हैं, उनमें जमीन ले ली गई राज्य सरकार से, एक्वायर कर ली गई विश्वविद्यालय ने, तो वहां पे समाज के प्रति जागरूकता लाना, संविधान के प्रति जागरूकता लाना और उनको लोगों को बताना अनटचेबिलिटी करोगे, सुपरस्टिशन करोगे, महिलाओं के प्रति अत्याचार करोगे, बच्चों के प्रति अत्याचार करोगे, दलित आदिवासियों के प्रति अत्याचार करोगे, तो ये सजाएं होंगी, कानून का ये प्राविधान है। एक्सपर्ट्स रखा गया, एक टीचर जो समाज में उस जिले में कोई अत्याचार होता है तो उसकी मदद करे और उसको कानून के दायरे में लाए। ऐसे प्रोविजंस के साथ में कृषि विज्ञान केंद्रों के तर्ज पे हमने सामाजिक विज्ञान केंद्रों की स्थापना किया। जी सर, मैं आपसे सीधा सवाल एक चीज ये जानना चाह रही हूँ कि जो स्वच्छकार समाज है उसके लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आप विस्तार से हमें जानकारी दें कि कैसे सोशल स्वच्छकार समाज, स्वच्छकार समाज की डिफिनेशन लोगों को समझ में आनी चाहिए। स्वच्छकार समाज में हम सभी आधे जो दलित लोग हैं, जो जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो आधे से ज्यादा जातियां स्वच्छकार कामों में लगी थी। वाल्मीकि समाज को कुछ और स्वच्छता का काम दिया गया था, मल साफ करने का, धोबी समाज है उसको कपड़े साफ करने का काम दिया गया था, जो रविदास समाज है, चर्मकार समाज है, उसको ये डेड एनिमल्स को साफ करने का काम दिया गया था। और हमारे समाज की एक और बिरादरी पासी, पासवान या कहीं कहीं पे धानुक बोला जाता है, तो वो समाज है, उसको ये सुअर पालने का काम दिया गया था कि गांव के चारों तरफ जब लोग लेटरिन करके आएंगे तो सुअर से पैसे घुमा करके साफ करा देंगे जिससे गांव में बदबू ना फैले। ये सभी जातियां, ये सभी के सभी स्वच्छकार समाज में ही आती हैं। अब वो अलग बात है कि स्वच्छता का दायरा सब अलग अलग कर दिया गया, समाज को डिवाइड करके बांट दिया गया है। इस पर हम लोगों ने काफी एक अच्छा प्रयास किया था। मऊ में विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर था तो एक एक्ट में अमेंडमेंट किया था, जो SC/ST एक्ट है, उस एक्ट में अमेंडमेंट किया था, धारा 4 उसमें और जुड़ी थी कि अगर कोई ऐसा एट्रोसिटी होती है और उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होता तो जो संबंधित अधिकारी होगा उसको 6 महीने की सजा होगी। वो इसी सरकार ने BJP गवर्नमेंट के टाइम पर ही उसको एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। इसके वेंजरिज्म पे हमने 2 किताबें लिखी थी, उस पर भी काफी अच्छा हमने जागरूकता लाने का प्रयास किया समाज में। और उस विश्वविद्यालय में तकरीबन हमने 800 बच्चों को, जो ऑलमोस्ट SC/ST के ही बच्चे थे, जो इन उन विषयों पे रिसर्च वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बाछड़ा कम्युनिटी होती है मध्य प्रदेश में, जो अपने परिवार के जो सबसे बड़ी बेटी होती है उससे वो प्रॉस्टिट्यूशन करवाती है और उससे अपने घर का परिवार चलाती। आप सोच नहीं सकते कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन जो हमारे देश की विभिन्न 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 प्रदेशों में विभिन्न समाजों में जो परंपराएं हैं वो कैसी परंपराएं हैं जो समाज उनको एक्सेप्ट भी कर रही। अब इन चीजों की जागरूकता लाना, समाज में उनकी मानसिकता बदलना, उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देना, ये एक बहुत बड़ी समय की जरूरत है। और इसकी कुंजी शिक्षा ही है, हमें हर हालत में शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अभी मैं मध्य प्रदेश यहाँ पे झारखंड में आया तो मैं यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था। यहाँ पर हमने देखा कि 1850 से लेके 1860 के बीच में जो जनजाति आंदोलन हुआ था जिसे उलगुलान बोलते हैं, तो उस उलगुलान को करने वाले हमारे जनजाति जो लीडर थे, जिन्हें शहीद कहा जाता है, तिलका मांझी थे, और मन भैरव थे, और सिद्धू कानो थे, फूलो झानो थी। सिद्धू कानो, फूलो झानो, सिद्धू कानो के नाम पर एक विश्वविद्यालय यहाँ पे है, लेकिन हमने फूलो झानो, जो उनकी 2 बहनें थी, 4 भाई और 2 बहनें थी, 2 बहनें थी फूलो झानो, उनके नाम पे हमने एक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे हसडिया में बनवाया और वो बहुत अच्छा हुआ और उसमें देश में प्रदेश भर में उसकी बड़ी सराहना हुई। इसी तरीके से एक नया कृषि विश्वविद्यालय संथाल परगना में स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम चांद भैरव रखा जा रहा है। तो अभी वो कर नहीं पाया हूं मैं, लेकिन वो इसका एक जमीन
500 एकड़ वहां लैंड ले ली गई है, उसके कॉलेजेज अलग अलग बनाए जाने, तो वहां पर भी आदिवासियों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास को जोड़ के आगे बढ़ाने के लिए ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने अगर कुछ नहीं किया तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने कहीं कुछ गलती की है और समाज को हमने पे बैक नहीं किया। एक चीज मैं आप लोगों सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल हो, कि समाज के लिए अगर देश में सच में कोई लॉन्ग लास्टिंग प्रयास करना है तो इन कामों के लिए विश्वविद्यालय होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि देश में 3 विश्वविद्यालय ऐसे डेडिकेटेड विश्वविद्यालय बने। एक तो बहनजी ने बनाया था नोएडा में, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, आप देखिए वो उसमें 50% रिजर्वेशन था SC ST के लिए। वो विश्वविद्यालय कोई बहुत अच्छा आज की डेट में दलित समाज या आदिवासी समाज या हमारे डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज के लिए कोई बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा हो, देखने की जरूरत है। दूसरा विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की है जी, वहां का भी हाल हम लोगों ने देख ही लिया। तीसरा विश्वविद्यालय जो हमने बनवाया वहां पे मऊ में डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस, अब हमारे हटने के बाद में यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटीज बदल गई, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें कोई सच में एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग प्रयास करना है समाज के विकास के लिए, समाज में अच्छे स्कॉलर्स डेवलप करने हैं जो समाज के विकास में काम करें, अंधविश्वास के खिलाफ लड़े, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़े, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़े, वोमेन एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़े, तो संघर्ष करें, तो उसके लिए हमें ऐसे संस्थानों की स्थापना जरूर करनी चाहिए जहां से प्रॉपर उनको गाइडेंस दी जा सके। क्योंकि विश्वविद्यालय एक शिक्षा दे सकता है, एक डिग्री दे सकता है, लेकिन जो प्रज्ञा चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो विजडम चाहिए, वो विश्वविद्यालय नहीं देते हैं। वो तो खाली डिग्री देते हैं और उसको एलिजिबल बनाते हैं किसी सर्विस के लिए। हमें समाज के विकास के लिए प्रज्ञा देने की जरूरत है। सर, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सैनिटेशन की भी पढ़ाई कहीं करी जाती हो या करवाई जाती हो? ऐसा कहीं कोई नहीं है देश, इस देश में तो नहीं है। हमने पूरे दुनिया में बहुत जगह इसकी स्टडी किया और इसकी स्टडी करने के लिए मैंने यूरोपियन कंट्री का विजिट किया, हमने जापान का विजिट किया कि वहां पर भी तो लोग लेटरिन जाते हैं, वहां पर भी तो साफ सफाई होती करनी पड़ती होगी, वहां पर भी तो जानवर मरते होंगे, उनको भी तो साफ सफाई करना होता होगा, वहां पर भी तो कपड़े धुलने के लिए लोग चाहिए, वहां पर भी तो ये पार्क जब बचाने इनको रेयरिंग के लिए लोग चाहिए, लेकिन वहां पर ये सब जो लोग करते हैं उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। डिग्निटी ऑफ लेबर है ना सर, वो किसी एक लेबर है। हाँ, वो किसी एक कास्ट या किसी एक समाज के लोग इन कामों को नहीं करते, उनकी कॉमन समाज है और सभी लोग करते हैं, जिसको जो काम मिल जाता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक चर्मकार समाज ही जानवरों का ये काम करेगा या वाल्मीकि समाज ही ये साफ इसका काम करेगा या धोबी समाज ही कपड़े धुलेगा, ऐसा उनके उन कंट्रीज में नहीं है। और दूसरा मैं बताऊं, ये सब विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। आज एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कौन वहां पे काम कर रहा है, कौन पूछने जाता है उससे, या वहां से काम करके घर में आता है तो उससे कौन पूछता है। आज चर्मकार समाज ने करीब 40 साल पहले, 30 साल पहले, मेरे को याद है, मैं बचपन में छोटा था, 1980 की आसपास की बात होगी, उस समय चर्मकार समाज ने एक बहिष्कार किया कि मुझे ये चमड़े के काम से अपने आप को दूर रखना है, नहीं करना है। तो क्या चर्मकार समाज कहीं खत्म हो गया? उसकी रोजी रोटी कहीं बंद थोड़ी हो गई? आज भी चल रही है, लेकिन लोग धीरे धीरे समाज में भूल जा रहे हैं कि ये वो समाज थी। अनटचेबिलिटी कम कैसे हुई? सामने अगर कोई बंदा लेटरिन सर पे लादे लिए जा रहा होगा या कोई मरे हुए जानवर को सर पे लाद के ले जा रहा होगा, तो सामने वाला क्या घर परिवार का भी आदमी देखेगा कि ये इनके ऊपर ब्लड गिर रहा है, इनके ऊपर लेटरिन गिर रही, तो वैसे ही छूने का मन नहीं करेगा। तो ये समाज डिस्क्रिमिनेशन सबके साथ करता है, जो दिखता है उसके साथ करता है। अभी अनटचेबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो गई है और डाइवर्ट हो गई है दूसरे फार्म में,
वो अलग बात है, क्योंकि ये समाज हमारा रूढ़िवादी समाज है, हजारों साल से बसा हुआ समाज है, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आया है इसमें कोई डाउट नहीं है, चेंजेज आर देयर, लेकिन अब थोड़े से उसका फॉर्म बदल गया है। आपने कोरोना देखा, यहाँ पर कौन से कम अनटचेबिलिटी हुई, ऐसा बिहेव किया गया कोरोना के पेशेंट्स के साथ में या जो मर गई डेड बॉडी के साथ में, आप इतनी क्रूरता आपने आज देखी, यही क्रूरता दलित समाज के साथ में हजारों होती आ रही है जी। मगर उस समय कोई उस पे ध्यान नहीं देता था, आज इस बात का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, उनके लिए सेपरेट क्रिमेशन प्लेस बनाए जा रहे हैं, दलित समाज के क्रिमेशन के लिए सेपरेट प्लेस, पहले से ही अलग रहे हैं, पहले से ही अलग रहे हैं, उनके कुएं अलग रहे हैं, उनके शमशान घाट अलग रहे हैं, उनके धोबी घाट, धोबी घाट तो खैर क्या थे, लेकिन तमाम चीजें उनकी अलग सदियों से रहती आई है, रहती आई है जी। तो लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन ये समाज हजारों साल से फेस कर रहा है, मगर इस समाज को ये जो सेवा भावना है, जो समाज के ने अपने मन में स्ट्रेंथ डेवलप की है, देश के प्रति जो समर्पण डेवलप किया है, जो एकता अखंडता के लिए काम किया है, ये वो समाज है। आज भी अगर ये सारा समाज एक साथ जुट करके काम करता है तो देश के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा पूरे देश भर में, कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे इस दलित समाज ने देश के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी की हो। पूरा 1000 साल का इतिहास उठा के देखिए, कभी भी दलित डाउन टोडन कम्युनिटीज के किसी समाज के किसी बंदे ने कभी देश विरोधी कोई काम किया हो या किसी को, जबकि दूसरी समाज के लोगों ने विदेशियों को बुलाया, उनको इनवाइट किया और देश विरोधी एक्टिविटीज की, अब वही सब लोग आज की देश में समय देश के प्रति ज्यादा समर्पित अपने आप को बताते हैं। ये दलित समाज जिसने कभी कुछ नहीं किया, देश के प्रति समर्पण रहा, सेवा भावना से काम किया, देश का विकास किया, समाज का विकास किया, इन सब के देश के साथ साथ समाज की साफ सफाई किया, उसको वो अवसर वो मौके नहीं मिल रहे। सर मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रही हूँ कि ये जो समस्याएं हैं जो आपने बिल्कुल पूरे विस्तार से बताई और जो मैं भी पूछ रही हूँ आपसे, कि जैसे सैनिटेशन के बारे में पढ़ाया जाना या चर्मकार की जो स्थिति रही है, क्या ये कभी सोशल साइंस का या हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का कभी हिस्सा बन पाएगा? जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, जब हम देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी बढ़ रहा है, तमाम चीजों में आगे बढ़ता जा रहा है, तो क्या इन विषयों को यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाए जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रयास हो, क्या आप क्या सुझाव देंगे यूनिवर्सिटीज के लिए? स्टूडेंट सिंपथाइजर बने, एक सेंसिटिविटी पैदा हो, जो कोरोना के संकट में आपने झेल लिया, आप लगातार व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, बल्कि कई बार कि जो मास्क जो लगाते हैं वो थोड़ी देर के बाद ही फेडअप हो जाते हैं मास्क लगाने से, लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि आप सोच के देखिए कि वो महिलाएं जो हमेशा घूंघट में रहती हैं, आपने तो थोड़ी देर के लिए मास्क लगाया, केवल एक हिंसा ढका है, लेकिन कल्पना कीजिए कि वो समाज, वो महिलाएं जो लगातार मुंह ढक के सारा काम करती हैं घर का, उसके प्रति आपकी सहानुभूति कभी नहीं जागी। आपने 2 दिन मास्क क्या पहन लिया, 2-2.5 घंटे, आपको समझ आ गया कि कितनी दिक्कतें आती हैं। ठीक उसी तरह कोरोना की डेड बॉडीज को भी इवन परिवार भी छूने से डरा है कहीं ना कहीं। मैं बिल्कुल एकदम माफी मांगते हुए ये कहूंगी कि परिवारों ने भी इवन कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया है कोरोना डेड बॉडीज को, और हरियाणा जैसी जगह में तो बल्कि ऐसा हुआ है कि डेड बॉडी को दफनाने का काम भी बल्कि सफाई कर्मचारियों को दे दिया, बल्कि आप दाह संस्कार करिए, बस एक आदमी को अलाउड है घर में जाना, जिसका भी जिसकी भी वो डेड बॉडी है, केवल एक व्यक्ति जाता है, अदरवाइज वो सारी चीजें जो है लकड़ियों से दाह संस्कार किया जा रहा है, वो सारी चीजें उसमें है कि वो कर दीजिए। ये डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह से, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन जो सदियों से जो समाज झेलता आया है, क्या आज उसको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? सो दैट वी कैन मोर सेंसिटिव अगेंस्ट दिस ब्रूटल डिस्क्रिमिनेशन इम्प्लीमेंट बाई अनदर पीपल।
जो आज जो दिखाई दे रहा है हमें, वो तो वो समाज सदियों से चलता आया। खैर, एक तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, दूसरा मेरा सवाल जो बीच में छूटा है, जो 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 आपने जो आपका जो फाइंडिंग था, रिसर्च जिसमें आपने काम भी किया, आपने स्वच्छकार समाज की समस्याओं को लेकर, सर आपको क्या लगता है कि इससे इसको इसमें परिवर्तन कैसे आए, मतलब कैसे आगे बढ़े ये समाज? ये तो हम जानते हैं कि जो व्यक्ति कूड़े की टोकरी सर के ऊपर उठा के जा रहा है या दिन रात काम कर रहा है टॉयलेट साफ करने का, तो कोई ना कोई एकदम कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी आ ही जाती है ये मान के कि ये गंदा काम कर रहा है। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट वर्क, मतलब क्या सॉल्यूशन है फिर हमारे पास इस चीज का? आपने तो इस पे काम भी किया है, रिसर्च भी किया है, थोड़ा सा अपना रिसर्च भी इसके बारे में बताएं जी। फाइंडिंग खासकर सर, फाइंडिंग जो है वो मैं जानना। देखिए, स्वेच्छा से तो समाज को ये समझा पाना, करवा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर समाज में अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं। आप उनको चाहे कितना प्रयास करके समझाने की कोशिश कीजिए, वो समझने वाले नहीं है। उनको मेंटालिटी कैन नॉट चेंज, मेंटालिटी जो है ना वो हमारे समाज में की भी हम बदलने चाहे तो वो जल्दी नहीं बदल सक पाती है, और उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ समस्याएं हैं। इसमें देश में अगर कुछ भी करना होगा तो देश का कानून ही कुछ कर सकता है। इसके लिए देश में कानून ही बनाना पड़ेगा, तभी ये सब लोग मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ये चर्मकार समाज ने अपना ये काम कर दिखाया कि अब हम लेदर स्किन रिलेटेड बिजनेस काम नहीं करेंगे, राव उसमें नहीं करेंगे। ये उनका एक बड़ा एप्रिसिएबल प्रयास था, एफर्ट्स था, जिसमें वो सक्सेस हो गए। मगर ये बाल्मीक समाज में हम इस काम को करने कराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसका हम प्रयास बहुत कर चुके हैं, लोगों को समझा बुझा चुके हैं, वो नहीं मानने वाले हैं। तो इसके लिए कानून ही एक अच्छा दायरा हो सकता है। दूसरा एक ये हो सकता है कि ये काम को करने में जो हमें मैकेनाइजेशन होना चाहिए, मैनुअल से हटा करके जो हमें मैकेनाइजेशन करना चाहिए, वो करने की सरकार की जरूरत है। उससे इसी समाज के अलावा बाकी समाज के लोग भी उस काम को करने के लिए आगे आएंगे, अगर वो मैकेनाइज्ड फार्म में होगा तो। हमें तो इसके यही सजेशन लगते हैं। दूसरा, एजुकेशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो समाज के बच्चे हायर एजुकेशन लें, ये करने की प्रयास करने की जानी चाहिए। इनके बीच में स्किल डेवलपमेंट है, इनका जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल है उसमें निखार लाने की जरूरत है, क्योंकि इस बिजनेस या इस काम के अलावा भी देश दुनिया में और बहुत सारे काम हैं जहां से उन रोजी रोटी कमा सकते हैं, तो उधर भी डाइवर्ट कराने करने की जरूरत है। जो पहले वाले जो आप बता रहे थे कि इनको क्या कोर्स वर्क में होना चाहिए, सिलेबस में स्टडी होना चाहिए, ये सिलेबस में कहीं ना कहीं है। हमने बहुत पहले पढ़ा था तो नाई को अब कितनी शिद्दत के साथ में बाल काटने चाहिए ये उसमें बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि उसको बाल काटने के सिवा और भी कोई काम कर सकता है वो, तो उसको मोटिवेट किया जाने वाला सिलेबस है। लिटरेचर जो मिलेगा तो ये वाल्मीकि समाज को कितनी शिद्दत से साफ सफाई करनी है, नई समाज को कितने अच्छे से बाल काटने हैं, उसमें गधे का भी बाल काटने की एक स्टोरी मैंने प्राइमरी में पढ़ाई पढ़ी गई थी, लिखी गई है। तो ये जो मोटिवेशनल एड्रेस है, जो प्रयास है, इसीलिए मैंने बोला कि देश में समाज विज्ञान पे काम करने वाले बाकी सारे लोग नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी भलाई है। अगर कुछ समाज के लोग सुपीरियर नहीं होंगे, उनकी सुप्रीमेसी नहीं होगी, तो समाज में ऊंच नीच कैसे मेंटेन रहेगा? तो जो लोग ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में ये बना रहे, तो वो इस पे काम क्यों करेंगे? इस पे काम तो वही लोग करेंगे ना जिनको दर्द है, जिनको कष्ट है, जिनके जिनके पूर्वजों ने इसका कष्ट झेला है। तो उन समाज के लोगों को भी इस पे आगे आना चाहिए। हालांकि इसमें मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि यही समाज के लोग काम करेंगे। बिंदेश्वरी पाठक कौन सी समाज के थे? आज अगर सुलभ शौचालय देश में आया, एक सिस्टम डेवलप किया, ये जो हाथ जो सर पे लाद के ले जाने वाला था, ड्राई लेट्रिन का था, वो सब सुलभ शौचालय का एक प्रयास तो था, बिंदेश्वरी पाठक सर का एक प्रयास तो था। वो कोई इस सफाई समाज से तो नहीं आते, तो ब्राह्मण समाज से आते हैं।
तो सोच प्रकाश से आती है, ये अच्छा सोचना हर कोई कर सकता है, लेकिन सर ये हम प्रोफेशनल, सब लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए। प्रोफेशनल हुआ ना सर, एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं, करना चाहिए मैकेनाइज्ड। अगर हम मैकेनाइज्ड फार्म में ले आएंगे, इसकी जेएनयू की एक छात्रा ने एक रिसर्च किया था और उसमें अंबेडकर विश्वविद्यालय में उसने पेपर प्रेजेंट किया था, उसने ये कहा था कि हमने, उसने 100 ऐसे सुलभ शौचालयों का शायद सैंपल लिया था और उसमें देखा था कि उसके अंदर जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं वो वाल्मीकि समाज के हैं और बाहर में बैठ के पैसे कलेक्ट करने वाले लोग हैं वो दूसरी समाज के हैं। तो ये चीज भी देखनी चाहिए कि फॉर्मेट बदल जाए। मैं एग्री करती हूँ क्योंकि सुलभ के साथ मैं भी कई बार गई हूँ और सुलभ के प्रोग्राम में भी गई हूँ। मेरे तो बिल्कुल जहाँ मैं रहती हूँ उसके सामने ही है, उनका पूरा म्यूजियम मैंने देखा है। मतलब वो अलग बात है कि आप इसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट उसने जो प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके गए हैं इस काम को, एक मैकेनिज्म की तरफ लेके गए हैं, जो ड्राई लैटरिन से वाटर वाली लैटरिन करके जो एक बनाया है वो तो नो डाउट कंट्रीब्यूशन तो है। मतलब हम लोग इस पे एग्री करते हैं सर। दूसरा मैं कुछ सवालों को बीच में लेना चाह रही हूँ हमारे पास। जो स्वच्छता अभियान है सरकार का, जो छोटी छोटी लेटरिन घरों में बनाने का है, इसको अगर कम्युनिटी लेटरिन में उसी मॉडल में जो बिंदेश्वरी पाठक सर का मॉडल है उसी मॉडल में विलेज में 4 जगह बना दिया जाए और उसको प्रॉपर वाटर और सैनिटरी की फैसिलिटी दे दी जाए तो वो कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल लेवल पे जो बनाए जा रहे हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। वो सर इसमें एक बड़ा एक बीच में पेंच भी है, वो ये कि जब ऊपर से सरकार से कोई भी पॉलिसीज बनती है और जब वो गांव देहात तक पहुंचती है, जहां लोकल जो कमेटी जो उसको रन करती है, वहां तक पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारा बदलाव आ चुका होता है। मतलब मैंने बहुत सारे देखे हैं गांव देहात में जो शौचालय के लिए जो ग्रांट जो दी गई है वो उस ग्रांट के का मतलब सीधे रूप से कुछ ईंटें डाल दी या आपने सीमेंट दे दिया या कुछ हिस्सा आपने टॉयलेट का बनाने का दे दिया, कुछ छोड़ दिया, बहुत सारे इफ एंड बट है सर उसमें। नहीं, वो 15,000 रुपए जो 25,000 रुपए मिलते हैं उसमें ना तो टंकी रखी जा सकती पानी की, ना उसका सीवेज सिस्टम ठीक से सेफ्टी टैंक बनाया जा सकता है, तो इसलिए वो कामयाब नहीं होगा। उसी को मैंने इसलिए कहा है सर कि प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन तो ये रिकमेंडेशन समाज की तरफ से जानी चाहिए। नहीं सर, लेकिन ईमानदारी वाले जो एक प्रयास है, मैं इससे भी अग्री करती हूँ कि जो पैसे जो दिए गए हैं और उस कंट्रीब्यूशन से कम हम महिलाएं जो गांव देहात में जो खेतों में जाती हैं या रात होने का वेट करती रहती हैं, भले ही उसमें थोड़ा सा दिक्कतें हों, लेकिन जो टॉयलेट्स बने हैं, जो शौचालय बने हैं, वो महिलाओं के लिए एक उसका काम तो किए हैं सर। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत सारी जगह पे वो टॉयलेट को ही उन्होंने दुकान बना दिया कईयों ने, मतलब टॉयलेट आज भी खेत में ही जाना है, ये भी एक कई जगह देखने पे आ रहा है। लेकिन बट इसमें ना लोकल जो कमेटीज है ना सर, उसको चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। सर मैं कुछ सवाल लेना चाह रही हूँ, सवाल आपके लिए आ रहे हैं सर, ताकि हम चर्चा को फिर आगे बढ़ाएं। हमारे साथ निशा जी हैं, निशा जगदीश पारचा जी लिख रही हैं कि आपने ठीक कहा, इस काम को बहिष्कृत करना ही होगा, मतलब जो अनटचेबिलिटी की तरफ जो लेकर जाता है काम, उस काम को हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। मोची को मतलब चर्मकार समाज ही चमड़ा निकालने का काम क्यों करे, दूसरे भी करें। स्वच्छ जो वाल्मीकि कम्युनिटी है वही झाड़ू का काम क्यों करे, उसको दूसरा भी करे। मतलब जो हमारी डिग्निटी को एक तरह से ठेस पहुंचा रहा है, उस काम को छोड़ के जब आप दूसरे काम की तरफ बढ़ेंगे तो डिग्निटी ऑफ लेबर आने में अभी टाइम लगेगा। वो आप पाठ्यक्रम में तो आपने बता दिया कि ठीक है, साफ सफाई करने वाले को ऐसे ऐसे काम करना चाहिए जो और अच्छा होगा। मेरा जो सवाल था वो ये नहीं था, मतलब हम वो ठीक है ट्रेंड आप कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रेंड करते हुए साथ में ये भी बताइए ना कि कैसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी जुड़ा हुआ है। मतलब क्या कोई एक पढ़ा लिखा बच्चा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहा है वो साफ सफाई करने का काम करेगा, तैयार होगा उसके लिए? नहीं होगा, क्योंकि मर जाएगा दूसरी कम्युनिटी का आदमी, लेकिन वो गंद उठाने का काम कभी नहीं करेगा।
तो निशा पारचा जी ये कह रही है सर कि हमें एक सोची समझी रणनीति के तहत इस काम में ही बने रहने के लिए बाधित किया जा रहा है। स्पेशल सेल काम कर रहे हैं, हमें इसे पितृसत्ता और मनु की व्यवस्था में बनाए रखने के लिए इसके ऊपर आप क्या सुझाव देंगे? बेसिकली इनका लबोलुभाव ये है कि जो काम है ये काम थोपा हुआ ज्यादा काम है और इसको मेंटेन करने में एक तरह से कहीं ना कहीं एक ऐसी फोर्सेस का भी हाथ है जो नहीं चाहते कि ये लोग इस काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ जाएं। ये पूछ रहे हैं सर, निशा पारसा जी हैं पूना से। देखिए ये समाज की विकृति है और ये विकृति खाली दलित समाज के लिए ही नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। आप कौन सी समाज की चर्चा करेंगे तो वो समाज के लोगों को वही काम करने के लिए एक्सपर्टीज हो जाता है। समाज संस्कार जैसे मिलते हैं परिवार से वो उसी में चला जाता है। आज सर्विस पाने वाला बच्चा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अगर कोई है तो उसके बच्चे भी टीचर प्रोफेसर बनते हैं। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है तो उसके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में बनते हैं। अगर वो बिजनेस करने वाला परिवार है तो उसके बच्चे भी बिजनेस करते हैं। अगर वो खेती करने वाला परिवार है तो उसके बच्चे खेती में लगे रहते हैं। तो ये समाज में आज भी विकृति है और जैसे संस्कार हम देते हैं अपने बच्चों को वो बच्चे उसी संस्कार में पल बढ़ जाते हैं और उसी में उनको एक्सपर्टीज आ जाती है और उसी टाइप के वो काम करने लगते हैं। तो ये अगर हमें ये महसूस हो रहा है कि जो हम समाज में जो हम काम कर रहे हैं इस काम से हमारी और हमारे समाज की डिग्निटी नीचे जा रही है तो जितनी जल्दी हम उस काम को छोड़ देंगे हमारी आगे वाली जनरेशन भी उस काम को छोड़ देगी जी, क्योंकि उस काम से उसका लगाव नहीं रहेगा। जी जी सर, छाया जी हमें जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, छाया जी कह रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारी अस्मिता को खत्म करने वाले काम हमें छोड़ देने चाहिए और महार समाज ने वो काम छोड़ दिया है। आपकी ही बात को इनरिच कर रही है सर। तो चर्मकार समाज ने भी छोड़ दिया, आज धोबी समाज को आप बताओ धोबी समाज कहाँ, वो तालाब में जाकर के फट्टे फट्टे कपड़े साफ कर रहा है। उसने अपना थोड़ा मोटिवेट किया है, चेंज किया है, प्रेस करने पे आ गए हैं, लेकिन कपड़े साफ करने उन्होंने भी कब के छोड़े हुए हैं। सर अंका मांडे जी हैं, वो कहती है कि दलितों पे हर दिन अत्याचार हो रहे हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? कानून बनाकर जी, समझा बुझा के नहीं रोका जा सकता, कन्विंस करके नहीं रोका जा सकता, मोटिवेट करने से कोई नहीं मानने वाला। कानून, कड़ा कानून होगा तो ही रोका जा सकता, नहीं तो नहीं रोका जा सकता। सर प्रफुल्ल गढ़पाल जी बोल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय कुरुल सर का योगदान अद्भुत है और मैं मेरे मित्रों को ये बताना चाहती हूँ कि सर ने 21 अवार्ड सर को मिले हुए हैं, रिकॉग्निशन ऑन साइंटिफिक एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड सोशल साइंस, ये हमारे लिए गर्व का बात है। प्रोफेसर राजेश पासवान जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, आपका योगदान अतुल्य है। प्रफुल्ल गढ़पाल जी कह रहे हैं कि एकदम प्रासंगिक चर्चा है, स्वागत और साधुवाद आपको। राजेश पासवान जी हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कौशल जी प्रोफेसर कुरिल साहब जी को अधिक बोलने के लिए मौका दीजिए। सर मैं क्योंकि हम दोनों कर रहे हैं, राजेश पासवान सर तो दोनों करेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे तो बीच में टोकना ही पड़ेगा ना, मेरी तो भूमिका है टोकने की। सर मैं आगे बढ़ती हूँ, आपसे सवाल पूछती हूँ, देखो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं आपके दर्शक, ये कह रहे हैं कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ आप कम बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, वो तो जाहिर सी बात है कि आपका एक अकेडमिक जगत का जो 33-35 सालों का जो अनुभव है और समाज में आप लगातार काम कर रहे हैं ये तो अतुलनीय है। सर मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में रिजर्वेशन खत्म होती जा रही है और एक तरफ रिजर्वेशन खत्म होती जा रही है, दूसरी तरफ रिजर्वेशन में एक से बढ़ के एक चीजों में बदलाव आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रतिनिधित्व का सवाल था, जो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए उसका जो सवाल था वो कहीं ना कहीं आज कुंद करने में लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमारा जो बहुजन समाज है, आपकी जो पीढ़ी थी वो तो यहाँ तक आ ही गई है लेकिन जो नई जनरेशन है वो तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो ऐसे में जो हमारे जो लोग हैं जो इतनी मुश्किल से डिग्रियां ले पा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे?
और अब मैं नहीं बोलूंगी, बीच में आप ही बोलेंगे। राजेश पासवान जी मुझे कह रहे हैं कि आप ज्यादा बोल रही जी, अब मैं बोलूंगी नहीं, आप बोलिए। देखिए डॉक्टर साहब, संघर्ष तो करना पड़ेगा समाज को, और समाज में अच्छे बच्चे हैं। आज मैंने बुलंदशहर के एक चर्मकार समाज का, जाटो समाज का बच्चे का यहाँ पे रांची में पेपर में पढ़ रहा था, उसने 10th का टॉप किया है या 12th में टॉप किया है, चर्मकार समाज का है, यूपी बोर्ड का। तो ये टैलेंट तो किसी के बाप की बपौती नहीं है, टैलेंट तो सबके पास है, जिसको मौका मिल गया वही उसका उजागर कर पाता है, कुछ लोगों को उसका मौका नहीं मिलता। लेकिन बांध पानी में दम होगा तो बांध तोड़ ही देगा, मेहनत करने वालों को कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए प्रयास हमेशा करते रहना ही पड़ेगा। रिजर्वेशन तो देखिए खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन अभी भी समाज में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग मैनेजमेंट कोटा से चले जा रहे हैं, कुछ लोगों के अपनी रिसोर्सेस है उससे चले जा रहे हैं, कुछ बायस तरीके से मार्किंग करके मैनेज होके चले जा रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी खोल रखी है तो अपने आप डिग्रियां दे रहे हैं अपने लोगों को, पीएचडी डीलिट क्या चाहिए वो डिग्रियां दे रहे हैं। तो देश में माहौल तो गड़बड़ है, अब इसके लिए सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बट इसमें हम हिम्मत हार जाएं या समाज के लोग इसको पीछे छोड़ दें, ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं लगता। कितने भी डिस्क्रिमिनेशन हुए हो, हम लोग पहुंचे तो है ना सिस्टम में, और आज भी सिस्टम में है। तो मैं सब लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा अपने बच्चों को कि बहुत ही हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, मेहनत करें, केवल और केवल रिजर्वेशन के भरोसे ये मान के चलना कि हमें ये चाहिए इससे हो जाएगा, ये सही नहीं है। बट जो पॉलिसी डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिसी डिसीजंस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब गवर्नमेंट के पास हैं। जैसे जुडिशरी है, लॉ एंड ऑर्डर है, एग्जीक्यूशन है, ये गवर्नमेंट के पास है। पार्लियामेंटेरियन में ये जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है गवर्नमेंट के पास है, वहां तो रिजर्वेशन है ना। अभी हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में पूरा रिजर्वेशन है, हमारे पास ये लेजिस्लेशन में पूरा रिजर्वेशन है, लोग जीत के आ रहे हैं। तो जरा हम पूछें कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिजर्वेशन से बेनिफिट लेके आ रहे हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं? जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने रिजर्वेशन से आकर के यहाँ पे बैठे हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जो हमारे टीचर्स फैकल्टी प्रोफेसर हैं, वो रिजर्वेशन से यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बने हैं, डीन डायरेक्टर्स तक पहुंचे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो ये कहना कि रिजर्वेशन से होके आएंगे तभी वो कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं, हमें इसको सही नहीं हमें लगता है। क्योंकि हमने देखा है जहां पे रिजर्वेशन नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, तो हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन है तो हमारा बीच बीच में प्रोटेक्शन है, पुलिस फोर्स में रिजर्वेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे एट्रोसिटीज कोई रोक ले रहा है, रुक नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमारी ग्रीवेंस सुनने वाले बीच बीच में लोग मिल जाते हैं। एकेडमिक में रिजर्वेशन है, भले ही वो फुलफिल नहीं हो रहा, लेकिन हम सब हैं तो सही बीच बीच में इनको कन्विंस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एक आंदोलन खड़ा करने के लिए, गवर्नमेंट को कन्वोट बताने के लिए। तो ये प्रयास तो करते रहना पड़ेगा। ये सच बात है कि इसके अगेंस्ट में आंदोलन नहीं होगा तो वो खत्म कर दे हो जाएगा। जिस समाज में बाबा साहब का अगेन कोटेशन है कि जो समाज जागरूक नहीं होगा उनके अधिकार चले जाएंगे। सर मैं आप बोलूं? हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। राजेश पासवान ने मेरी तो गलती बंद कर दी कि आप ही ज्यादा बोल रही हैं। मैं बोलूंगी नहीं, मैं किसी और की बात बोलूंगी। अंबेडकर टाइम्स में सवाल आपसे पूछा है सर कि डॉक्टर कुरील, whether you recruited SC/ST in your university on teaching and non-teaching post. If yes, please disclose. If not, then when you will do? When means what? जब मैं पहली बार वाइस चांसलर बना, डॉक्टर इसमें आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में हूँ, वहां पे एक भी प्रोफेसर नहीं था उस विश्वविद्यालय में, और 3 साल में जब मैं निकला तो 3 प्रोफेसर बनाए डाउन टोडन समाज के। और डाउन टोडन समाज का मतलब एक चर्मकार समाज, एक मतलब तीनों अलग अलग समाज के थे, और 2 डायरेक्टर्स बनाए, एक डायरेक्टर एक्सटेंशन और एक डायरेक्टर रिसर्च, दोनों डाउन टोडन कम्युनिटी के।
हमने वहां पे कृषि विज्ञान केंद्रों में फैकल्टी भर्ती किया तो जरूरत से जितना रिजर्वेशन था, और उसके अलावा वेटनरी कॉलेज में जनरल सीट्स पर भी हमने रिजर्व कैंडिडेट्स अगर सुटेबल थे तो उनको सेलेक्ट किया। मध्य प्रदेश में गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस बनाया, उसका मैंडेट आप देखिए, और उस मैंडेट के बाद में बच्चों को देखिए, 90% रिजर्वेशन किया हमने उसमें, 90% रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉपुलेशन ऑफ एस सी एस टी एंड ओबीसी इन प्रोपोर्शनेट टू दैट पॉपुलेशन। 90% एस सी एस टी ओबीसी के बच्चे वहां पर एडमिट किए, पीएचडी में, एमफिल में, पीजी में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेज में, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का हो, एग्रीकल्चर का हो, लॉ का हो, एजुकेशन का हो, या रूरल सभी 9 कॉलेजेज में। और फैकल्टी वहां पे 5 हमने एडमिट सेलेक्ट किए थे, 5 डाउन टू डन एस सी एस टी ओबीसी कम्युनिटी के। तो ऐसा है मेरे साथ में, मेरा अपना काम तो जो मैं कर सकता हूँ करता हूँ, यहाँ पर भी आया, यहाँ आने के बाद में भी हमने जो कॉलेज आप ये बनाया डेयरी टेक्नोलॉजी, उसका नाम फूलो झानो रखा। फूलो झानो वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने 1857 में हूल क्रांति की थी। दूसरे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वहां पर, उसका नाम चांद भैरव रखा। वो वीरांगनाएं, वो दोनों योद्धा हैं जनजाति समाज के, जिन्होंने उस समय अंग्रेजों को कहा था, अंग्रेजों भारत हमारी माटी छोड़ो, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये डॉक्टर कौशल आप सुन नहीं रहे हो, ये क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट सुन रही हूँ आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये बात 1850 में चांद भैरव और सिद्धो कानों ने कही थी, जो बाद में ये किसी और ने कोट कर लिया और 1942 को कहा जाने लगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया। एक्चुअल आंदोलन 1850 में, 1850 से 1857 तक ये चांद भैरव, फूलो झानो और सिद्धो कानों ने चलाया था। उन्होंने ही कहा था अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, और उनके ही चलाए गए आंदोलन को यहाँ डू और डाई, करो या मरो का नारा उस समय उन्होंने दिया था। ये 1857 की जो क्रांति है उसके जनक वो 4 भाई और 2 बहनें थीं जिन्होंने देश में पहले बिगुल फूका था अंग्रेजों के खिलाफ, जो 1857 के लिए एक पथ मतलब मींस पाथ मेकर बना। तो इस समाज के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए, तो उनके नामों को उनको उजागर करना। मदरा मुंडा के नाम पर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज रखा, अभी सब लोग नहीं जानते होंगे बिरसा मुंडा के नाम से जो विश्वविद्यालय है। तो ऐसे कामों को जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है मैं बराबर करता रहता हूँ, इसके लिए हमें थोड़ा मोटा नाश्ता भी मिलता रहा है बीच बीच में। मगर हम राजेश पासवान जी कह रहे हैं कि वो गवाह है आपके, इंडोर्स करते हैं, और मुझे लगता है ये प्रेम ही है, अतिरेक है कि मुझे राजेश पासवान जी ये कह रहे हैं कि तुम कम बोलो सर को ज्यादा बोलने दो। ऐसा नहीं है, गवाह है आपके, इसलिए राजेश पासवान जी के साथ में भी स्नेह हमेशा मेरे साथ भी रहता है राजेश पासवान जी का, आपका भी। डॉक्टर पासवान जी के साथ में भी हमने कुछ कुछ काम किए हैं, वो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर, इसलिए वो आपका फेवर ज्यादा कर रहे हैं, मेरा कम कर रहे हैं। दोनों पुरुष मिलके मेरे को ये कह रहे हैं कि तुम कम बोलो सर को ज्यादा। नहीं, हम लोगों का तो आंदोलन ही इसके अगेंस्ट में है। मैं समझती हूँ सर, मैं जस्ट एक थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में थी। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जो सफाई पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, सफाई पेशे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको एजुकेशन में कैसे आप लेकर आएंगे, क्या सुझाव देंगे अगर सर कैसे हो वो लोग, क्योंकि आप जानते हैं सर कि जो हमारे जो एमसीडी के स्कूल्स तक जो बच्चे पहुंचते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीजों के तहत एमसीडी हो या तमाम जो छोटे छोटे स्कूल हैं सरकारी स्कूल, जो क्राउड है वो सरकारी स्कूलों में जाता है, थोड़े दिन के बाद ही ड्रॉप आउट रेट बड़े स्केल में बढ़ता चला जाता है, 10th तक पहुंच ही नहीं पाते लोग, तो सर आप क्या सुझाव देंगे ताकि ये सफाई पेशे से जुड़े हुए लोग एजुकेशन की ओर बढ़े। ये बताओ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने अपने धर्मों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बना रखी हैं। हर मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर के आगे भीड़ लगती है, हर संडे को चर्च में लोग इकट्ठे होते हैं, हर अलग अलग दिनों में सब लोग अपने अपने समाज को अपने अपने विकास के लिए लगे रहते हैं। ये जो हमारा सिख समाज है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा समाज के विकास के लिए लगाया जाता है, दसवांत बोलते हैं। ये जो मुस्लिम समाज है वो अपनी कमाई का 40वां हिस्सा, 40 बोलते हैं,
समाज के विकास के लिए लगाता है। इस दलित समाज के पास कोई ऐसा है 8वां 10वां 15वां 20वां कोई हिस्सा समाज के लिए जो डेडिकेटेड किया गया हो, या समाज के किसी के पास लोगों के पास इतनी फुर्सत है कि उस समाज के लोगों के पास जे कॉलोनी में जाके या सफाई कर्मचारियों के बीच में बैठ के डाउन टोडर के बीच में बैठ के मोटिवेशन का काम करें। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने विकास में लगे हुए हैं, हम समाज के विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें समझा नहीं रहे, उन्हें कन्विंस नहीं कर रहे, उन्हें मोटिवेट नहीं कर रहे। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनको खाने पीने के लाले पड़े हैं, पहले खाने की जुगाड़ करें कि वो एजुकेशन पे ध्यान दें। तो हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनकी स्किल्स के स्कूल्स बनाने चाहिए, इंटरप्रेन्योरियल स्किल देना चाहिए, समाज के लिए ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं सामने उठ के आनी चाहिए जो उस समाज के विकास के लिए लगे। हम हर चीज सरकार के भरोसे छोड़ रहे हैं, हम सरकार को गाली देने में कसर नहीं उठा रखते, पूरा हमारा व्हाट्सएप भरा रहता है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, लेकिन समाज क्या कर रहा है? ये हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो समाज के लिए क्या कर रही है? ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, CSR फंड है, उसको चैनलाइज कराने के लिए कितनी संस्थाएं आई हैं समाज के विकास के काम करने के लिए, एजुकेशन में ले जाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड एट्रोसिटीज को रोकने के लिए, ये डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए। हमें समाज के लोगों को, पढ़े लिखे समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। खाली अपनी नेता नगरी चमका करके, अपना इंटेलेक्चुअलिज्म चमका करके, कनॉट प्लेस पे बैठ करके भाषण प्रवचन करने के बजाय जे कॉलोनी में जाके, अलग अलग घरों में, गांव में जाके मोटिवेशन, कबीर दास की आप देखिए, रविदास का देखिए, सूरदास का देखिए, मॉडल है ये, सक्सेसफुल मॉडल है। मान्यवर काशीराम के देखिए, बाबा साहब के देखिए, ये सक्सेसफुल मॉडल्स थे जो गांव में जाके, समाज के बीच में जाके, उनके बीच में टाइम देते हैं, उनके साथ रुकते हैं, उनको दिखाते हैं, उनको बुलाते हैं। जब जब मैं वाइस चांसलर बनता हूँ तब तक मैं अपने वाइस चांसलर ऑफिस और वाइस चांसलर बंगले को शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए ओपन रखता हूँ, वहां बुलाता हूँ उनको बीच बीच में किसी किसी फंक्शन में बंगले के अंदर, आओ देखो कैसा होता है, क्या होता है। ये सब चीजें इम्पावर करती हैं सोसाइटी, समाज को इम्पावर करती हैं। वाइस चांसलर रहते हुए किसी 10 बच्चों को बुला के BC अपने चैम्बर में उनको कॉफी पिला दे, आधा घंटे उनको टाइम दे दे, बार बार बाहर में जाते घूमेंगे कि देखो मैं BC के यहाँ से चाय पी के आई हूँ, आया हूँ। तो ये सब चीजें इम्पावर करने की चीजें, हिम्मत बनाने की चीजें हैं। लालू यादव ने किसी को जाकर के नहीं बोला, लालू जी ने एक वॉइस दिया, हिम्मत दिया। बहन जी ने किसी को नौकरी या किसी को वहां विनिश कराने थोड़ी गई, उन्होंने एक वॉइस दी, एक हिम्मत दी। मान्यवर काशीराम ने लोगों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका सिखाया, करने के लिए प्रयास कहा करिए, अकेला तो कोई इतने बड़े देश में नहीं कर सकता। तो हम सब लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, हमारी ऐसी सोच है जी। बस अंतिम सवाल, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैं आपके समय का, बहुत कीमती आपका समय है, यूनिवर्सिटी के बीच में से आप टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं, मेरे पास रात भर में बैठा रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर राजेश पासवान जी कहेंगे कि आप फिर बोलना शुरू कर दिया। कुछ सर, जब आप बुलाइए, हम हमेशा समाज के काम के लिए आगे हैं। जी जी, राजेश पासवान जी कह रहे हैं कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। और सर एक सवाल ले लेते हैं, वीरेंद्र सिंह दोबारा, वीरेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि हमारा एक प्रश्न आज के समय में एजुकेशन इतना कठिन हो रहा है जिसमें भर्तियां भी नामात्र के लिए हो रही हैं, वहां भी भ्रष्टाचार पनप रहा है, इस लिहाज से शिक्षा भी प्राइवेट होने की ओर है। हालांकि इस पे हम चर्चा कर भी चुके हैं, तब आने वाले युवाओं के लिए शिक्षा का महत्व क्या होगा, कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे? शिक्षा गवर्नमेंट की कब थी? आपको ध्यान होगा जब आप पढ़ते थे तो रामलाल इंटर कॉलेज, श्यामलाल डिग्री कॉलेज, ये फलाना कॉलेज, वो सब कॉलेज, तो स्कूल तो उन्हीं के थे, हम सब तो उन्हीं के स्कूलों से पढ़ के आए हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो प्राइमरी तक ही होते हैं, उसके अलावा आप किसी भी स्टेट में देखिए 6th to 12th क्लास के स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं देश में, नाम मात्र के गिने चुने हैं, सब के सब प्राइवेट स्कूल हैं 6 से लेके 12वीं तक के, और
केवल और केवल प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं सभी स्टेट्स में। हमने इस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाते समय काफी इस पे डिटेल से चर्चा किया है। आज यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेज प्राइवेट थे, कॉलेजेज गवर्नमेंट के कितने थे देश में? 90% कॉलेज प्राइवेट थे और प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट के कॉलेज कितने? आप दिल्ली का एक मॉडल नहीं देखिए, दूसरे स्टेट्स के मॉडल देखिए। विश्वविद्यालय जरूर मींस डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट के हाथों में नहीं थे। जो हमारे सुखदेव थोराट साहब के टाइम पे जब वो चेयरमैन थे यूजीसी के, और सरकार ने उस समय डिसीजन लेकर के इनको प्राइवेट डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस दे दिए, तो तब से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्रिएट हो गई और मशरूमिंग हो गई और एजुकेशन की क्वालिटी डाउन होती जा रही है। डिस्टेंस मॉडल ऑफ एजुकेशन है, उससे और एजुकेशन का स्तर डाउन होते जा रहा है। तो ये देश की समस्याएं हैं, समाज की भी समस्याएं हैं। हम अपने समाज की भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं वो सही बात है, लेकिन हमें अपने समाज के विकास पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ विषय देश के लिए जरूरी है, उसके दुनिया भर में लोग पूरे बहुत सारे लोग उसके लिए सच वैज्ञानिक कर रहे हैं। आप तो गुने चुने चार लोग उठ के आए हो समाज के, तो समाज के विकास पे चिंता कर लो, समाज के विकास पे रिसर्च कर लो, उस पे ध्यान दो। हमें तो ये मानना है कि जो हमारे समाज के प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पहले समाज की चिंता करें, समाज के विकास की चिंता करें, एजुकेशन की चिंता करें, उनके बीच में जाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको गाइड करें और उनको भी इस लायक बनाएं। चंदा दे देना ही काफी नहीं है। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब खाली जाओ और हमने किसी को चंदा दे दिया, दैट इज नॉट गुड एनफ। समय देना पड़ेगा, अपने फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा। ऐसी सोच अगर हम कर पाते हैं तो ही समाज का विकास होगा। आज बहुत सारे लोगों ने, पुजारियों ने भी आवाज उठाई कि कोरोना पीरियड में हमारे पुजारी भिखारी बने, जो उनको खाने पीने की जुगाड़ नहीं है, तो 10 करोड़ रुपए उनको अलग से बजट में एलोकेट किए गए। आपका कोई समाज का आदमी आया, धोबी समाज का या चर्मकार समाज का या वाल्मीकि समाज का, कि हमारे समाज के लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है ऐसा दे दो? आया कोई? क्या नहीं आया। जब तक डिमांड नहीं रखी जाएगी तो कौन देने वाला है? अपने आप कोई दे दे वोट बैंक के चक्कर में तो अलग बात है, अदरवाइज मांगने वाले भी लोग नहीं है। ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता, नहीं मिल, कोई कुछ भी नहीं देता। हाँ, मांगना तो चाहिए, डिमांड रखनी चाहिए, और डिमांड के लिए जो एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा समाज को जागरूक करने के लिए। नेताजी तो करेंगे नहीं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से जीत के आए हो तो भी नहीं करेंगे। ये काम तो इंटेलेक्चुअल का ही है ना, हम सब लोगों का ही है। जो इंटेलेक्चुअल सामाजिक जागरूकता तो वही लाएंगे। अब कबीर दास का तो मॉडल आज की डेट में नहीं है, रविदास का तो मॉडल आज की डेट में नहीं है कि गांव गांव में वो जा करके समाज को जागरूक करें। आज के जमाने में मॉड्यूल्स बदल गए हैं, व्हाट्सएप सिस्टम आ गया है, टेलीफोन सिस्टम आ गया है, कॉन्फ्रेंसिंग आ गई है, विजुअल मीटिंग्स हो गई है। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि फील्ड में उतरे, पढ़े लिखे लोग गांव में जाएं, उन लोगों के पास बैठें, गांव को आइडेंटिफाई कर लें। जैसे देश के विकास का मॉडल के लिए गांव आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, गांव गोद लिए जा रहे हैं, हमारे टीचर प्रोफेसर 10 गांव ले लें, 10 गांव में भाई ये 10 गांव हमारे रहे, इन 10 गांव में जांच करके समाज के लोगों को जागरूक मैं करूंगा। जी सर, मलकीत कल्याण जी कह रहे हैं कि दलितों को तो मांगने से भी नहीं मिलता। ये बात तो सही कह रहे हैं, मांगने से, अरे वो दिन दुआ करें, हम मेहनत करें, हम प्रयास करें, बाबा साहब के नक्शे कदम पे चले कि वो नौबत ना रहे, हम मांगने वाले ना बने, हम देने वाले बने, हम एक अच्छे इंटरप्राइजर बने, हम राजेश पासवान की सोच के साथ में आगे बढ़े कि एक इंटेलेक्चुअल के साथ साथ एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, स्किल डेवलप करें, बिजनेस करें, और हम देने वाले लोगों में बने। डिक्की ने कितनी प्रयास के साथ में अपने कितने मेंबर्स बनाए, कितने लोगों को प्रयास किया सरकार के दबाव डाल करके एंटरप्रेन्योरियल, ये चीजें करने की जरूरत है। इन चीजों के साथ साथ समाज में जागरूकता लाना, फिर मैं कह रहा हूँ हमारे लोगों का काम है, जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में दिल्ली में तो रिजर्वेशन है ना जी, दिल्ली के हर प्राइमरी से लेकर के 12वीं क्लास तक के स्कूलों में प्रॉपर रिजर्वेशन है और पूरे बच्चे उसमें टीचर रिजर्व कैटेगरी के उसमें आते हैं। वो सारे लोग या हमारे जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या रिजर्वेशन नहीं है?
अलग बात है कि पोस्टें पूरी नहीं भर पा रही है। जेएनयू में कितने अगर कम से कम देखे जाएंगे तो 150 प्रोफेसर फैकल्टी मिलेगी रिजर्व कैटेगरी के, 150 से 200, तो 150 से 200 लोग क्या फील्ड में काम करने जा रहे हैं। सर अंतिम सवाल ले लेते हैं, जितेंद्र कोचर जी हैं, कहते हैं कि दलित समाज जातियों में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी हैं, इनको कम करने के लिए कुछ विचार सुझाएं, अंतिम सवाल सर। तो एक एक जो बाबा साहब की भी सोच थी, एक है कास्ट और एक है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी ब्रॉडर चीज है, कास्ट एक छोटी चीज है। भला वो बाबा साहब का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन रहा था, उस समय बाबा साहब उसमें मेंबर थे बनाने वालों में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसमें बाबा साहब ने शेड्यूल बनाई, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इन सारी जातियों का कम से कम एक बंच बना दिया, तो ये हम सब मिलकर के ये कहने लगे ये शेड्यूल कास्ट के है। नहीं तो उसके पहले तो सब कहते थे ये चमार है, ये भंगी है, धोबी है, वो धानुक है, वो ये है। अब कम से कम हम एक शेड्यूल कास्ट तो हुए, हम ही नहीं बटे हुए हैं, पूरा देश का हर समाज बटा हुआ है। द्विवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, तिवारी, त्रिपाठी भी हैं, और ऐसा वो सोच रहे हैं अगर हम लोग कि उन लोगों में फिर भी एकता है, हमारे में नहीं है, तो ये गलत सोच रहे हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं बिकॉज आप शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, लगाव है इसलिए बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, हमारे हमारे मन में उसके प्रति एक अच्छी संवेदना डेवलप हो जाती है, जानते ही पता लगते ही, चाहे वो तमिलनाडु से आया हो, चाहे आसाम से आया हो, चाहे कन्याकुमारी से आया हो, ये पता लग जाए कि ये शेड्यूल कास्ट है, तो हमारे मन में भी ये भावना डेवलप होती है, एक अपनापन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें खराबी बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम आपस में रिलेशंस नहीं कर पा रहे हैं, पारिवारिक संबंध नहीं बना पा रहे हैं, वो बनाने की जरूरत है हमें। रोटी बेटी का रिश्ता, रोटी का तो रिश्ता ऑलमोस्ट हो गया है, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, अक्रॉस द कास्ट हम शादी नहीं कर पा रहे हैं, इस पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। जहां तक मैंने बताया कि विचार जो है वो जाति से बड़ा है, इसलिए हम बाबा साहब ने एक आइडियोलॉजी दी है शेड्यूल कास्ट, उन्होंने बोला हम सब शेड्यूल कास्ट हैं, उन्होंने अंबेडकरवाद एक आइडियोलॉजी है, उनके विचारों को हम सब मिलके फॉलो करते हैं, ये यूनिटी का एक मजबूत दायरा हो सकता है, इसको प्रमोट किया जाए इंस्टीट ऑफ ए पर्टिकुलर चर्मकार समाज या स्वच्छकार समाज या समाज। मैंने सबसे पहले ही सेंटेंस यूज किया था, हम सब के सब सफाई वाले ही हैं, कोई चमड़े की सफाई करता था, कोई लेटरिन की करता था, कोई कपड़े की करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, लेकिन हैं सब साफ सफाई वाले ही, सर्विस क्लास के ही लोग हैं। किसी किसी के पास अनटचेबल वर्क था, किसी के पास थोड़ा टचेबल वर्क था, तो जो टचेबल वर्क था अमंग द शेड्यूल कास्ट वो अपने आप को थोड़ा सा अलग मानते हैं, और कुछ लोगों को हरिजन भी बोलते हैं। हमारे एक बहुत घनिष्ठ मित्र चंद्रभान प्रसाद, उनके गांव में मैं गया, मैं वाइस चांसलर था फैजाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उनके गांव गया, तो उनके उनका भतीजा लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था, और उनको भतीजे को बोला वीसी साहब को गांव घुमा के लाओ, तो वो मुझे गांव घुमाने लगा जहां से चमार चर्मकार समाज के गांव खत्म होते शुरू होते थे, वहां से उसने बोला ये हरिजन बस्ती है। और उसके पहले जहां पे चंद्रभान जी की समाज है वो हरिजन बस्ती नहीं, उसने बताया। आप समझिए कि चंद्रभान जी जैसा देश का एक जाना माना जागरूक हस्ती है, बिल्कुल, और उनका भतीजा लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, और वो भी ये मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है कि ये हरिजन कौन है और नॉन हरिजन कौन। तो आज मानसिकता महात्मा गांधी की उस पर भी हावी है, बाबा साहब की नहीं, पीएचडी करने के बाद भी मानसिकता महात्मा गांधी की हावी है, बाबा साहब पीछे छूट गए। सर एक एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर आप इजाजत दें, हालांकि मैं बोलिए ना बोलिए, वो ये कि बहुत सारी जगह तो चर्मकार समाज को हरिजन कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे हरिजन बस्ती वाल्मीकियों को कहा जाता है, ये क्या घपला है बीच में? जहाँ पे चर्मकार और वाल्मीकि समाज इकट्ठे हैं तो वो हरिजन बस्ती हो गई, अच्छा, नहीं तो चमरौदा हो गया। ये ये इस देश की समाज की कुछ सच्चाइयां हैं,
जो सोशल साइंटिस्टों को, सोशल साइंस के लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझता हूं। एक जमाना था किसी को ये कह के चमार है उसको धिक्कारा जाता था। आज वो चमार इकट्ठे होके बोलते हैं मैं मुंडा चमारा दी, वो गाना बजा के गाते हैं, वो फिर बोलते चौड़े होकर के बोलते हैं हम चमार है, तो सब लोग बोलते ये जातिवाद फैला रहे हैं। अब वो दिन नहीं रहे, मतलब उस समाज में वो दिन नहीं रहे कि चमार कहने से या जाटो कहने से या चर्मकार कहने से या रविदेसिया कहने से उनकी कोई इंसल्ट होती हो या कोई ह्यूमिलिएशन होता हो। भाई जाट भी तो हैं, जाट और जाटो में ऐसा कौन सा अंतर आज की डेट में आपको हरियाणा पंजाब में नजर आ रहा है जिसमें ये कहा जाए कि जाटो खराब है जाट अच्छा है? तो अगर आपके कारनामे अच्छे होंगे, आपने चर्मकार के काम छोड़ दिए हैं, सोसाइटी में आपने दूसरे भी काम शुरू किए हैं, आपकी सोच में परिवर्तन है, आपके नई जनरेशन में परिवर्तन है, तो अनटचेबिलिटी वहां से डाइल्यूट होती है। अब अनटचेबिलिटी का फॉर्म जरूर बदला है लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। वो डिस्क्रिमिनेशन फिर भी टॉलरेट किया जा सकता है, अनटचेबिलिटी नहीं, ये ह्यूमिलिएट करती है, डिग्निटी पे घात करती है, तो इसे नहीं किया जा सकता। इसलिए वाल्मीकि समाज आज भी उस कामों में जुटी हुई है, उसको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। देखिए धोबी समाज ने काफी कुछ सुधार किया, चर्मकार समाज ने काफी कुछ सुधार किया, और बहुत सारी समाजों ने, जैसे सुअर पालने वाला था, उन लोगों ने अभी वो दिन नहीं रहे कि गांव के चारों तरफ घुमाने का हो, अभी उन्होंने जो जो हमारे सुकर कह लीजिए जो पिक फीड होता था वो मिलने लग गया, वो खिलाने लग गए, वो एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये वाला काम जो है ना समाज में आज भी डिग्निटी को हमारी धक्का देता है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इस काम से जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ाना ही चाहिए। जी सर, स्वच्छकार समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस काम से पीछा छुड़ाएं, शिक्षा की तरफ जाएं, नए नए बिजनेस के दायरे बढ़े हैं उधर की तरफ जाएं, अच्छे स्किल की तरफ जाएं, एक छोटा सा बिजनेस भी खड़ा करें। जरूरी नहीं है दिल्ली में कोई आपको पूछने आ रहा है आप किस कास्ट के हैं, हो सकता है आपकी आइडेंटिटी होगी वहां पर, आपको अंडा या कोई होटल चलाना चाहेंगे नहीं चलेगा, मगर आप दूसरी जगह करें, दूसरे काम करें। बहुत सारे बिजनेस के काम हैं इन दिल्ली में, चाहे वो छोटे छोटे भी काम करेंगे, सब्जी भी बेचेंगे ना तो भी 500 रुपए कमा लेंगे, मान सम्मान की कम से कम इज्जत के काम होंगे। आप अगर चाहे कोई भी छोटा छोटा काम, दुनिया भर के काम है, जो जिसको पसंद हो वो काम करे, और परिवार के दूसरे बच्चे भी आगे चल के वही काम करेंगे। अगर इस समाज के लोग लेट्रिन साफ करते रहे तो उनके बच्चे भी लेट्रिन ही साफ करेंगे। अब कम से कम अपने बच्चों के खातिर, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के खातिर इस काम को छोड़ दें, दूसरे काम को अपनाएं। आज एक सोने का काम करने वाले सुनार का बच्चा तो सोने का ही काम करता है ना, कारपेंटर का बच्चा तो कारपेंटर का काम सीख जाता है ना, घर में जो जैसा काम, टीचर जो स्कूल टीचर होता है, जो प्रोफेसर होता है अपने बच्चों को पढ़ाता है ना, डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाता है ना, हीरो फिल्म इंडस्ट्री अपने बच्चों को फिल्म में ले जाती है ना, ये कास्ट बेस्ड प्रोफेशन अपने कंट्री में हजारों साल से हैं, और इसमें कोई ऐसा संस्कारों से मिलती है सोच, बिजनेस के तरीके, तो हम जो काम करते रहेंगे अपनी पीढ़ी को भी वही दे के जाने वाले हैं। इसलिए कम से कम समाज के लोगों को ऐसा मान सम्मान वाला काम करना चाहिए, मान सम्मान नहीं तो कम से कम चाहे 2 रुपए कम सही इज्जत के होने चाहिए, समाज में मान सम्मान हो, 4 लोग मिलकर के बैठ सकें। दूसरा, समाज के लोगों में दारू शराब गांजा भांग चरस पिए बहुत ज्यादा है, इससे भी पीछा छोड़ा बहानाबाजी है कि हम ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं, झाड़ू लगाते, डस्ट जाती है, ये वो, ये सब कुछ नहीं, ये सब इससे भी पीछा छुड़ाने की जरूरत है, इससे बीमारियां होती हैं, लंग्स खराब होते हैं, किडनी खराब होती है, जल्दी मर जाते हैं, इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ये बुराई है बहुत ज्यादा। एजुकेशन में बच्चों को नहीं ले जाते, इसका महत्व तो उनको नहीं पता है, इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है, सर्विस नहीं लगी तो क्या हुआ, दिमाग नॉलेज तो किसी को भी कभी भी कहीं काम आ जाता है, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। खाली नौकरी के लिए पढ़ना, ये सोच बना के हमारी समाज ने रखा है, ये बहुत गलत बात है कि अरे इतना पढ़ा तो नौकरी नहीं मिली तो पढ़ने से क्या फायदा, ये गलत सोच है। पढ़ने के अलग फायदे हैं, खाली नौकरी उसका एक फायदा हो सकता है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं,
एजुकेशन, नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी, उसका उसका जो ज्ञान है वो तो हमेशा 24 घंटे उसके साथ चलता है, स्टेप स्टेप पे काम आता है, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसा मोटिवेशन करने की जरूरत है सब लोगों को। जी सर, मलकीत कल्याण जी गोरी आवाम एग्री करते हैं सर आपकी बातचीत को, और निशा जगदीश पारचा जी लगातार है, अंका मांडे, गोरी, निशा पारचे, जितेंद्र, अनीता रानी, सीमा सोनकर और तमाम लोग एच एल दुसाद सर सुन रहे हैं, सतेश्वर मोरे, उमेश कुमार, ज्योतेंद्र, और लगातार तमाम लोग, बहुत सारे लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे स्क्रीन पे, मिशन जस्टिस ओपी शुक्ला जी हैं जो लगातार आपकी चर्चा को सुन रहे हैं, ब्रिजभूषण वर्मा जी सुन रहे हैं, और सर आपको राजेश पासवान जी लगातार सुन रहे हैं, उन्होंने बीच में कमेंट भी किया, अंका मांडे जी कह रहे हैं बहुत अच्छी चर्चा हुई, तमाम लोग जिनको मैं नहीं देख पा रही, सुरेंद्र कुमार जी और जो लोग हम सबको सुन रहे हैं, मैं तमाम दर्शकों को, तमाम चर्चा में भागीदार करने वालों को, आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कल हम इसी समय फिर चर्चा में भागीदारी करेंगे, तीर्थ सिंह खरेलिया जी महादलित परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं, कल इसी शाम 7 बजे शाम को हम फिर चर्चा में हाजिर होंगे। आप सब तमाम दर्शकों ने, तमाम मित्रों ने, हमारे मेरे सीनियर्स, जूनियर्स और मेरे तमाम बैचमेट्स जो इस चर्चा को सुन रहे थे, प्रोफेसर वाइस चांसलर आर एस कुरेल सर को बहुत सारे सवाल जो अधूरे भी होंगे, सोनू मोनू सिंह सोनू जी भी लगातार बात कर रहे हैं, एक चीज जरूर कहते हैं कि रूपचंद पंडित जी और एक आदमी कह रहे हैं कि आप दोनों को मिलकर यूनिवर्सिटी खोल लेनी चाहिए, मेरा इशारा की तरफ है, मैं प्रयास कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी को खोल लेनी चाहिए। जी सर बताए, सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, हमारे एक मित्र हैं श्याम लाल जी, जयपुर में रहते हैं जी, हाँ, उनसे आपने इंट्रोडक्ट कभी नहीं किया हो तो उनको कर लीजिए। सर प्रॉब्लम क्या है हमारे लोगों की कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम कर पा रहे हैं, प्रोफेसर श्याम लाल जी से मेरी कई बार बातचीत हो चुकी है, मैंने बहुत कोशिश की है कि प्रोफेसर श्याम लाल जी वाइस चांसलर जो रह चुके हैं और उनका आत्मकथा भी है झोपड़ी से राजमहल तक का, हमने बहुत कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने की, उनके पास लेकिन स्मार्टफोन नहीं है, नहीं मैं करवा दूंगा किसी समय, नहीं कर पा रहे तो आप मैं जब प्रोग्राम रखो में हूं, उन्होंने ये मुझसे प्रॉमिस किया है, आपको आपको जस्ट मैं एक निवेदन कर रही हूँ सर, उन्होंने ये कहा जब भी वो स्मार्टफोन लेंगे सबसे पहले मुझे फोन करके मेरे को इंटरव्यू देंगे। कोई नहीं, हम उनको वहाँ पर मैं अभी जयपुर गया था तो उनसे मैंने चर्चा की थी और एक कॉलेज में सेंटर पे हमने बुला करके चर्चा हुई हमारी, तो उसी सेंटर पे बुलवा करके आपकी मीटिंग करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, मैं बहुत कोशिश में रहूंगी सर। रवि चन्ना जी लगातार कह रहे हैं कि बेहतरीन प्रोग्राम है, थैंक यू रवि जी, तमाम लोग, राजेश कुमार जी, आनंद आनंद जी, जिनका बहुत सारे लोग हैं जो मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रही उनका, बलबीर चंद सरोवा जी, कृष्ण कुमार जी, रूपचंद पंडित, डॉक्टर सुशील कुमार शिलू, मलकीत सर का तो बता ही दिया मैंने, तमाम बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी चर्चा को सुन रहे हैं, तमाम दर्शकों का सबका बहुत बहुत आभार, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं, आपने इतना कीमती समय हमारे इस चैनल के लिए दिया, तमाम मेरे मित्रों से और सबसे लोगों से ये निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वच्छकार समाज की आवाज यूट्यूब चैनल एक छोटा सा प्रयास कर रहा है ताकि हम अपने लोगों की बात एक मंच पर आकर बातचीत कर सकें, हम अपने आप को सुने और एक समाधान की तरफ बढ़े, बेहतर हम समाज में एक भूमिका निभा पाए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ये मेरा निवेदन है आप सबको, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।